वॉट इज ईथर या वॉट वॉज ईथर, ईथर क्या था? तो मैंने आपको बताया भी था कि जिस टाइम थ्योरीज डेवलप हो रही थी और ये माना गया कि लाइट को चलने के लिए एक मीडियम की जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट होती है वो वेव नेचर शो करती है, और इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन से ये इस्टेब्लिश हुआ कि लाइट हमारी वेव्स हैं। तो ये भी कहा गया कि जैसे साउंड वेव को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है, तो वैसे ही फिर लाइट वेव को चलने के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होगी। और फिर ये कंसेप्ट आया कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम होगा ईथर, उसमें हमारी लाइट्स जो है ट्रैवल करेंगी, जो स्पेस में ऑक्यूपाइड होगा। तो उस ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई, हाइपोथेटिकल है। ये माना गया कि जो है इसमें लार्ज इलास्टिसिटी होगी, लो डेंसिटी होगी, मासलेस होगा, इनविजिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, नॉन रेजिस्टिविटी होगा या फ्रिक्शनलेस होगा, और पूरे स्पेस में ऑक्यूपाइड होगा और रेस्ट में होगा। ऐसा एक हाइपोथेटिकल अच्छा, मीडियम एज्यूम किया गया। तो व्हाट वाज ईथर? ईथर वाज हाइपोथेटिकल मीडियम। ईथर हाइपोथेटिकल मीडियम वाज हाइपोथेटिकल मीडियम इट हैज वेरी लार्ज इलास्टिसिटी वेरी लो डेंसिटी। ईथर वॉज हाइपोथेटिकल मीडियम, इट हैज वेरी लार्ज इलास्टिसिटी, वेरी लो डेंसिटी, मासलेस, इनविजिबल, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, परफेक्टली फ्रिक्शनलेस, या हम लिख सकते हैं नॉन रेजिस्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग एज स्टील, स्टील के जैसा स्ट्रॉन्ग हो। इट वॉज एज्यूम्ड दैट इज एट रेस्ट, एंड ऑल एंड ऑल प्लेनेटरी बॉडीज लाइक अर्थ मूव थ्रू इट, मूव थ्रू इट, और कैसे मूव हो? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ना तो खुद डिस्टर्ब हो ना ही ईथर को डिस्टर्ब करें कि वो मूव होने लगे, वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो हमें एक ऐसी मीडियम चाहिए थी जो ये सारी प्रॉपर्टीज रखता हो और रेस्ट में रहे स्पेस के अंदर, और सारे प्लैनेट्स उसमें इजीली मूव कर सकें। तो ये एज्यूम किया गया कि ऐसा हमारा एक मीडियम है। तो माइकलसन एंड मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसलिए वो ये चेक करना चाह रहे थे कि ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम कंसीडर किया गया है स्पेस में, ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और एग्जिस्ट करता है तो स्टेशनरी है कि नहीं है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं है। तो वो एक्चुअल में चेक करना चाह रहे थे कि जो हम स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ईथर कंसीडर कर रहे हैं वो स्पेस में है,
माइकलसन मॉर्ले का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था, टू चेक द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर. सेकेंड ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या लिखा कि जब अगर फ्रेम है रेस्ट में है तो अर्थ हमारी मूव कर रही है, तो अर्थ और ईथर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, तो वो वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे थे अर्थ की विद रिस्पेक्ट टू ईथर, और यूज किया उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन डिफरेंट डायरेक्शन. अर्थ पे डिफरेंट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट देखी, उसको यूज करते हुए रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करना चाह रहे थे अर्थ का विद रिस्पेक्ट टू ईथर. तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे. तो अगर ये डेफिनेशन लिख लिए तो हम फिर हम आगे इसको आगे बढ़ाएंगे. व्हाट इज ईथर? ईथर वॉज हाइपोथेटिकल मीडियम. इट वॉज वेरी लार्ज इलास्टिसिटी, वेरी लो डेंसिटी, मासलेस, इनविजिबल, परफेक्टली ट्रांसपेरेंट, परफेक्टली नॉन रेजिस्टिव एंड स्ट्रॉन्ग एज स्टील. इट वॉज एज्यूम दैट ईथर इज एट रेस्ट एंड ऑल प्लेनेटरी बॉडीज लाइक अर्थ मूव थ्रू इट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइकलसन का क्वेश्चन है. Describe the Michelson Morley and explain the physical significance of negative result. है और दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग the Michelson Morley experiment describe the experiment how is the negative result of the experiment interpreted. पहले क्वेश्चन में फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछ रहा है नेगेटिव रिजल्ट के, कि नेगेटिव रिजल्ट क्या बताते हैं. सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट को किस तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया. तो दोनों क्वेश्चन में चीजें अलग अलग पूछी हैं. तो एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ये जो करने जा रहे हैं हम, काफी लेंथी टॉपिक है, ठीक है. इसमें भी मैं काफी चीजें कट करके कराऊंगी कि ये लैंग्वेज में नहीं लिखवा रही हूँ, ये लैंग्वेज में नहीं लिखवा रही हूँ, मैं बताऊंगी. लेकिन उसके बावजूद ये 2 डेज तो एटलीस्ट ले रहा है हमारे. तो क्या है, एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको अपना टाइम देखना है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और कितना आपको उसमें लिखना है, ठीक है. मैं तो अभी सारा ही कराऊंगी, मैक्सिमम पार्ट्स का ड्राइव करूंगी, T1 T2 भी कैलकुलेट कराऊंगी. बट एग्जाम में देखिएगा कि वो क्वेश्चन में आस्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आप पे इतना टाइम है कि नहीं है कि T1 और T2 भी कैलकुलेट कर सकें, ठीक है. उस अकॉर्डिंग आपको आंसर अपने नोटबुक में, आंसर बुक में लिख के आना है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन को पढ़ के देख के. तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन के आंसर करेंगे कि माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट क्या है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर नेगेटिव रिजल्ट भी बताएंगे और नेगेटिव रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन भी कराएंगे. हम सारे पार्ट करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखिएगा कि क्या पूछा है क्या नहीं, ठीक है. तो हमारा आज का टॉपिक यही है, ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. तो पहले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ, हेडिंग डाल लेंगे आप उसमें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट. और ऑब्जेक्टिव है क्या, किस लिए किया था, कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेक करना था. सेकेंड, अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी को मेजर करना था विद रिस्पेक्ट टू ईथर फ्रेम, टू कन्फर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज ईथर फ्रेम.
एंड टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर फ्रेम इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट. हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. तो पहले इसको समझते हैं. देखिए इसमें हम इसको हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब लैंग्वेज में लिखेंगे तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर देंगे, लेकिन समझ पूरा लेते हैं. एस क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है, जिसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है. कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? लाइट को पैलर बीम में कन्वर्ट कर देगा. इसके फोकस पे ये रखा होता है तो पैलर बीम में कन्वर्ट कर देता है. जो पैलर बीम्स हैं वो हमारी सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हुई है. सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट कैसी होती है कि जब इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो इक्वल एम्पलीट्यूड उसके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. एक ट्रांसमिट होता है, दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है. 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, जिससे जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो भी इक्वल हो जाती है. जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है पी ए डायरेक्शन में, तो पी ए जाती है वापस मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होके वापस ग्लास प्लेट पी पर आती है. सिमिलरली जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है पी बी डायरेक्शन में, फिर रिफ्लेक्ट होके मिरर M2 से वापस पी पे आती है. और दोनों की डायरेक्शन जब हमारे टेलीस्कोप के टूवर्ड्स हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और ट्रांसमिट होके, तो टेलीस्कोप में दो बीम्स का इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस हमें दिखाई दे जाती हैं. प्लस ये पूरा का पूरा एपरेटस हमारा अर्थ पर रखा है. जो पी से ए के बीच की डिस्टेंस है वो हम टी लेके चल रहे हैं. जो पी से ए के बीच की डिस्टेंस है वो हमारा कैपिटल डी है. पी से बी के बीच की डिस्टेंस भी कैपिटल डी है. और ये मिरर एक दूसरे से, मिरर में ऐसे भी बना लेते हैं, ये मिरर एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखे हुए हैं और ग्लास प्लेट पी से इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. तो फिलहाल पहले इतना ही लिखते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे समझेंगे. तो पहले एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लिखिए और उसमें लिखना स्टार्ट करिए. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट या माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट है ना. द एपरेटस ये फिगर बना लेते हैं अभी, बाद में बनाएंगे. द एपरेटस यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, द एपरेटस यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट आर टू प्लेन मिरर, आर टू प्लेन मिरर सिल्वर्ड, सेमी सिल्वर्ड या हाफ सिल्वर्ड भी बोल देते हैं इसको, सेमी सिल्वर्ड प्लेट पी एंड आ टेलीस्कोप एंड आ टेलीस्कोप पी, दे आर arranged, they are arranged accordingly as shown in figure, as shown in figure. तो अब ये फिगर बनाना स्टार्ट करिए. क्या कहा? एपरेटस यूज इन दिस एक्सपेरिमेंट आर टू प्लेन मिरर. टू प्लेन मिरर है M1 M2, एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है, टेलीस्कोप है और ये हमारे अरेंज है फिगर के तरीके. सोर्स भी लिख सकते हैं कि सोर्स भी है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस भी है, बट हम किसी की वर्किंग नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो आप चाहे तो लैंग्वेज में वो भी लिख सकते हैं, सेमी सिल्वर प्लेट के साथ सोर्स भी लिख सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी लिख सकते हैं. मैम इसकी वर्किंग बता दीजिए. हाँ बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अब म्यूट हो जाइए सब लोग. ओके चलिए दोबारा से फिर सुनिए क्या बताया मैंने इसके बारे में. क्या कहा था कि हमें
ऑब्जेक्टिव है हमारा टू डिटरमाइन द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. माइकल्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में एपरेटस में क्या क्या था, हमारे एक सोर्स ऑफ लाइट एस था, एक कॉन्वेक्स लेंस था जो इसके फोकस पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट रखा था, मिरर M1 और M2 थे जो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली अरेंज थे, और जो ग्लास प्लेट की हमारी सेमी सिल्वर्ड उससे भी इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए थे. जो ग्लास प्लेट है वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन थी, ये सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है. हमारे पास एक टेलीस्कोप था जहां से ऑब्जर्वर इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकता था. लाइट सोर्स से इंसिडेंट हुई, पैलर बीम ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट हुई. वो पैलर बीम्स टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक रिफ्लेक्टेड लाइट एक ट्रांसमिटेड लाइट. जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो पी से ए पर गई और ए से वापस पी पर आई और यहाँ से ट्रांसमिट होके टेलीस्कोप की तरफ चली गई. अब की बार ट्रांसमिट होगी तो ऐसे सीधी जाएगी ना. फिर जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो पी से बी डायरेक्शन में गई, बी से वापस रिफ्लेक्ट पैक होकर पी पे आई और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई वो हमें टेलीस्कोप में उन दो बीम्स के बीच में इंटरफ्रेंस हो गया और वो इंटरफ्रेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो गया और उसकी फ्रिंजेस हमने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर ली. जो टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम पी टू ए, ए टू पी एंड पी टू बी एंड पी टू पी इक्वल है अगर ये पूरा एपरेटस अर्थ पे रखा है और ऑब्जर्वर भी अर्थ पर है, या तो ये बोलू मैं, या ये बोलू कि ये एपरेटस ईथर के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो उस केस में टाइम टेकन बाय रे वन एंड टाइम टेकन बाय रे टू इक्वल हो जाएंगे. कब इक्वल होंगे, जब ऑब्जर्वर इस एपरेटस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. अब वो रेस्ट में कब हो सकता है, पहला केस है कि एपरेटस हमारा अर्थ पर रखा है, ऑब्जर्वर भी अर्थ पर है तो दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में T1 इक्वल टू T2 होगा. दूसरा केस क्या है कि हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है, ईथर भी मूव कर रहा है और ईथर के रिस्पेक्ट में ये एपरेटस रेस्ट में है, लेकिन तो जो ऑब्जर्वर वहां पर है उसको T1 इक्वल टू T2 दिख रहा है. तो ये दो केस में हमें टाइम इक्वल दिखेगा. ठीक है, मैंने यहां तक बताया तो यहां तक ही लिखते हैं कि टाइम T1 और T2 इक्वल होंगे. किस केस में, जब हमारा ये एपरेटस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड किस डायरेक्शन में हो रही है, ए वाली डायरेक्शन में, मतलब पी ए रिफ्लेक्टेड रे पी ए एंड ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिटेड कौन सी हो रही है जो बी डायरेक्शन में हो रही है, ट्रांसमिटेड रे पी पी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, रिफ्लेक्टेड बाय मिरर्स M1 एंड M2 बैक टू पॉइंट पी आर डायरेक्टेड are directed towards telescope, are directed towards telescope T, the two two reflected beams interfere and form interference fringes that can be
observed by the telescope. In next line se likhiye, let the two mirrors, let the two mirrors M1 and M2 be at equal distance. बी एट इक्वल डिस्टेंस और हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल डी से कर रहे हैं, तो कैपिटल डी स्मॉल डी एल कुछ भी ले सकते हो. फ्रॉम ग्लास प्लेट पी इफ द एपरेटस, इफ द एपरेटस is at rest, if the apparatus is at rest in ether, या हम लिख सकते हैं with respect to ether, तो उस केस में दोनों लाइट जो हैं सेम टाइम ट्रेवल करेंगी, सेम टाइम लेंगी वापस आने में. देन टू रिफ्लेक्टेड रेज would take equal time to return the glass plate. उस केस में T1 equal to T2 है, but है क्या ये पूरा का पूरा एपरेटस हमारा अर्थ पर फिक्स है ना, बट एक्चुअली द होल एपरेटस इज मूविंग along with the earth with velocity v in the direction of इनिशियल बीम. तो उस केस में क्या होगा, दोनों रेज का जो ऑप्टिकल पाथ है वो डिफरेंट होगा. देन द ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल्स बाय both ray are not same. पहले यहां तक समझते हैं फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. क्या कहा कि जो पी ए डायरेक्शन में लाइट जा रही है मिरर एम वन की साइड, जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है पी बी डायरेक्शन में, वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दोनों पी पॉइंट में मिल रही है और वहां से टेलीस्कोप की तरफ डायरेक्टेड हो रही है. टेलीस्कोप में दोनों के जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो ऑब्जर्व हो जा रहा है और इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व कर ले रहे हैं. फिर हमने कहा मिरर M1 और M2 अगर इक्वल डिस्टेंस को डायरेक्ट कर दे रहा है टेलीस्कोप की तरफ, नहीं ग्लास प्लेट से देखो कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाएगा. अभी मैं इसको हटाना नहीं चाह रही, हटाऊंगी तो मतलब डिलीट हो जाएगा. तो आपके पास फिगर आपने ड्रॉ कर रखी है तो उसी को देखो, क्योंकि हमारा जो ग्लास प्लेट पी है वो सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है. तो क्या होगा जब हमारी ए से मिरर M1 से ग्लास प्लेट पे लाइट आ रही है तो कुछ पार्ट तो वापस रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि हमारा क्या है सेमी सिल्वर
है, तो कुछ पार्ट जो भी उस पर लाइट इंसिडेंट होगी वो क्या करेगा, कुछ पार्ट उसको रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा. तो जब M1 से P पर ग्लास प्लेट की तरफ रे आएगी तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट वहां से ट्रांसमिट हो जाएगा. तो ट्रांसमिट होगा वो सीधा टेलीस्कोप की तरफ जाएगा. ऐसे ही जब ग्लास प्लेट पे मिरर M2 से जो लाइट इंसिडेंट होगी वो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिट होगी. तो जो रिफ्लेक्ट होगी वो टेलीस्कोप की तरफ हो जाएगी, और जो ट्रांसमिट होगी वो वापस जिस तरफ से सोर्स है उस साइड से आगे निकल जाएगी, है ना. तो लेकिन हम बाकी रेज की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उन 2 रेज की बात कर रहे हैं जो टेलीस्कोप की तरफ जा रही हैं. टेलीस्कोप में उन रेज का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा. अब हम क्या कह रहे हैं, ग्लास प्लेट्स की जो डिस्टेंस है मिरर M1 और M2 से वो इक्वल डिस्टेंस है. और अगर ये एपरेटस हमारा ईथर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ईथर पर है, ईथर के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. तो अगर हम ये कहें कि ईथर के रिस्पेक्ट में ये एपरेटस मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में है, तो उस केस में T1 और T2 इक्वल होते. उसको जो ऑप्टिकल पाथ हमारा, क्योंकि हमने डी जो है दोनों साइड डिस्टेंस सेम ली है, तो टाइम टेकन बाय रे सेम होता, ठीक है, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी सी रहती तो टाइम निकालते तो सेम आ जाता. बट हमारा पूरा ये एपरेटस अर्थ पर प्लेस्ड है और अर्थ हमारी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ईथर पे है, रेस्ट में है. तो जो ईथर पर ऑब्जर्वर है उसको ये पूरा का पूरा एपरेटस मूव होता हुआ दिखाई देगा, और उसके लिए जो टाइम T1 और T2 हम इक्वल कह रहे थे वो टाइम इक्वल नहीं आते हैं, अलग अलग आते हैं, क्योंकि उसके लिए जो ऑप्टिकल पाथ ट्रेवल बाय रे है वो अलग अलग है. तो अगर ये नोट कर लिया है तो फिर एक बार वो डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग. ये अगर सबने नोट कर लिया है तो फिर सबका हो गया ना, चलिए तो फिर हम हाँ तो इस डायग्राम पे आ जाते हैं वापस से. तो यहाँ से तो ये किसके लिए था सेम, जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एपरेटस रेस्ट में है. जैसे अगर ऑब्जर्वर ईथर पे है और ये भी ईथर में होता तो T1 इक्वल टू T2 होता, बट ऑब्जर्वर हमारा ईथर पे है और ये पूरा का पूरा एपरेटस अर्थ पर रखा है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है, जो परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है उसमें उसको क्या दिख रहा है कि अब यहाँ पे ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें समझाया भी था कि क्या कंसेप्ट लगेगा. जब हम ट्रेन में कोई बॉल थ्रो करते हैं तो हमें उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन दिखता है, लेकिन अगर हम बॉल को ट्रेन में थ्रो कर रहे हैं और ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो उसको उसका पाथ स्ट्रेट ना दिख के पैराबोला दिखता है. सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे माइकलसन मॉडल ने यूज किया कि जो ऑप्टिकल पाथ है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको स्ट्रेट नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा. अब मेरे पास यहाँ पे इसमें दिक्कत यह है कि हम टू पॉइंटर यूज नहीं कर सकते हैं, एक बार में एक ही पॉइंटर यूज कर सकते हैं. तो मैं एक एक करके दोनों को बता रही हूँ. ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऐसे मानो पैरेलल है सपोज, ठीक है. तो जिस वेलोसिटी से, क्योंकि अर्थ पे प्लेस है, जिस वेलोसिटी से हमारा ये मूव कर रहा है 45 डिग्री की इंक्लाइन पे, उसी वेलोसिटी से हमारा ये मूव कर रहा है. लाइट हमारी पी से M1 डायरेक्शन में ही जा रही है, लेकिन जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको ये ऐसे स्ट्रेट ना दिख के, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली वी वेलोसिटी से मूव होगा, तो ये ऐसे ही उसको दिखाई देगा कि ये पाथ स्ट्रेट ना जाके ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में जा रही है. जिस टाइम ग्लास मिरर हमारा इस जगह होगा M1 पोजिशन पे, उस टाइम ग्लास प्लेट हमारी इस पोजिशन पे होगी. फिर जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके आ रहा होगा तो ये भी ऐसे आगे मूव कर जाएगा और यहाँ पे P पोजिशन पे ये इसको रिसीव कर लेगा जो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आई मिरर M1 से. तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जो रेस्ट में ईथर, उसको उसका पाथ ऐसे ना दिख के पी M1 और M1 से P दिखाई देगा उसको इसका पाथ, है ना. तो उसको T1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो T1 क्या आएगा हमारा, T1 क्या होगा, अगर मैं ये मानूं रे को यहां से ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में T टाइम लगता है या रे को पहुंचने में, तो V वेलोसिटी से ये T टाइम में VT डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उतनी ही देर में रे P से M1 में पहुंच जा रही है. जो रे की वेलोसिटी है वो C होती है, T टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये CT करेगा. तो T1
जाने में टाइम टी लगा, इसको वापस आने में भी टाइम उतना ही लगेगा, ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होगी वी टी होगी, और ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी सी टी। तो टी वन कितना होगा टू टी, जाने में टाइम टी लगा वापस आने में टाइम टी लगा, तो टोटल टी वन टाइम हमारा टी वन इक्वल टू टी टू, टू टी हुआ है ना। और इनके बीच की डिस्टेंस की बात करूं P से M1 के बीच की डिस्टेंस, ये कांस्टेंट रहनी है क्योंकि ये तो फिक्स है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में तो मूव हो रही है हमारी अर्थ, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इनके बीच की डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो M1 डैश से O की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीच की डिस्टेंस d। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल पी एम वन डैश ओ में, और टी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको ट्वाइस करेंगे तो T1 आ जाएगा, और T1 हमारा कितना आना चाहिए 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर 2C स्क्वायर। तो नहीं यहीं तक किसी के कुछ डाउट है तो यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व नहीं करते हैं, वो कल करेंगे है ना। अगर T1 निकाल भी लूंगी तो T2 तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, टाइम नहीं है, तो T1 T2 हम कल ही कैलकुलेट करेंगे। वही चीज है, एक मिनट देखिए, इसको तो ऐसे समझिए, अब कार है ना, कार का जो लोअर पार्ट है जहाँ पे आपके पैर होते हैं, तो वो तो इसको मान लो पी, जब ये जो भी मैं बता रही हूँ समझाने के लिए बता रही हूँ ठीक है, तो इसको कुछ वो मत समझना, जो जहाँ पे तुम्हारे पैर हैं वो हमारी ये ग्लास प्लेट है ठीक है, और जहाँ तुम्हारा सर है वहां पे मिरर एम वन है। अब तुम कार में बैठे हो तो मुझे ये बताओ कि ऐसा होगा कि ये तुम्हारा जो हेड वाला पोजीशन है ये मिरर, ये पीछे रह जाएगा और पैर आगे निकल जाएंगे? नो मैम, नहीं ना। तो सेम ये ऐसे ही है, अब हमारा ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, जितना पी आगे शिफ्ट होगा उतना ही हमारा ये एम वन शिफ्ट होगा, या कह लीजिए जिस जगह ये टकरा रही है यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है सेम उतना ही ये शिफ्ट होगा, तो दोनों साथ साथ चलेंगे ठीक है। और रे किस डायरेक्शन में चल रही है? रे पी से ए डायरेक्शन में ही चल रही है, चल तो सेम वही रही है, स्ट्रेट पाथ ही चल रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ईथर पे उसको वो स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है, जा तो ये ऊपर से नीचे ही रही है और नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ये सेम यही डायरेक्शन में है लेकिन ये कंटिन्यूअसली आगे चलता जा रहा है, तो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसको लाइट आगे आगे जाती हुई दिख रही है, तो ऐसा उसको लग रहा है कि लाइट जो है बैंड होती चली जा रही है ट्रायंगुलर पाथ में, फिर मिरर M1 पे पहुंच के वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई P डैश पोजिशन पे, तो उसको जो है ट्रायंगुलर दिखाई दे रहा है ना कि स्ट्रेट। लेकिन अगर आप उसी फ्रेम में है, मतलब आप कार में है और आप अगर लाइट को देखेंगे तो आपको वो स्ट्रेट ही दिखाई देगी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते हुए दिखाई देगी। और किसको पूछना था बताओ, जहां जहां डाउट है यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके आगे का हम कल टी वन और टी टू हम कल कैलकुलेट करेंगे। रुकिए इस पे आती हूँ मैं टीम पे। टी वन आपने क्या लिया? हाँ जी, टी वन आपने क्या लिया है? डी का टाइम T1 मैंने टाइम लिया है कि रे जब ग्लास प्लेट से मिरर M1 पर जा रही है और M1 से वापस ग्लास प्लेट पर आ रही है, वो कैलकुलेट होकर आई है, वो अभी हम कल कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन नहीं देखिए, आंसर नहीं देखिए, अभी सिर्फ इतना समझे T1 टाइम क्या है कि रे ग्लास प्लेट से मिरर M1 पे जा रही है और M1 से वापस ग्लास प्लेट पे आ रही है, वो T1 है हमारा। मैम मेरा पिछला स्लाइड करिएगा, अभी रुकिए। हाँ बताइए बताइए मैम, इसमें फिगर बनाइए। एक करके है ना, दो जने एक साथ बोल रहे हो। हाँ पहले कौन बोल रहा है, रुकिए, हर्षित। हाँ हर्षित बोलिए। मैम हम लोग जो फिगर बनाए हैं इस पे पी पॉइंट से टी पे भी जा रहा है ना, एक पी पॉइंट से टेलीस्कोप की तरफ भी जा रहा है रिफ्लेक्ट। हाँ तो बोला है हमने टेलीस्कोप पे जा रहा है, टेलीस्कोप पे कब जा रहा है? जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है और जो मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, वो दोनों जब
टेलीस्कोप की तरफ आ रहे हैं, वो फ्रिंजेस हमें दिख रही हैं यहाँ पर, उनका इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिख रहा है। नहीं वो मैम पहले वाला फिगर में नीचे में नहीं डिस्प्लेट नहीं बनाया था गलती से, पर मैंने इस वाले में इसमें नहीं बनाया, इसमें तो मैंने सिर्फ क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन को समझाने के लिए बनाया है, ठीक है, और इससे नेक्स्ट वाले में सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को समझाने के लिए बनाया है, ये तो समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। मेन डायग्राम तो आपका यही है जिसमें सारी चीजें बन रही हैं, सारे कंपोनेंट बन रहे हैं। चलिए सेकंड किसी और को भी पूछना था, कौन है? हाँ आर्ची, आर्ची बोलो। अच्छा गलती से हो गया, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, और कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। T1 कैलकुलेट करेंगे, T2 कैलकुलेट करेंगे, टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट नेगेटिव रिजल्ट तक कंप्लीट हो जाए, इंटरप्रिटेशन भले ही रह जाए, इंटरप्रिटेशन और फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फिर हम नेक्स्ट डे उसके स्टार्ट कर देंगे अगर कल पूरा हो जाएगा।